अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सभा वा सेना के स्वामी का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पिछले तीसरे मंत्र से मदाय, शुष्मिणे, न, इन तीन पदों की अनुवृत्ति है। हम लोगों को सबका स्वामी, जो वेदोक्त गुणों से परिपूर्ण विज्ञानरत, ऐश्वर्य युक्त और यथा योग्य न्याय करने वाला सभाध्यक्ष वा सेनापति विद्वान है, उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए। फिर यह सभाध्यक्ष वा सेनापति कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सत्य आचार विचारशील और ध्यानावस्थित पुरुषों को योग्य है कि जो अपने आत्मा में अंतर्यामी जगदीश्वर है, उसकी आज्ञा से सभापति वा सेनापति के साथ सत्य और मिथ्या वा करने और न करने योग्य कामों का निश्चय किया करें। इसके बिना कभी किसी को विजय वा सत्य बोध नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वा धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, उन्हीं का निश्चय से विजय होता है, औरों का नहीं। फिर ईश्वर वा सेनाध्यक्ष कैसे हैं, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को परस्पर मित्रता संपादन कर अलभ्य पदार्थों की रक्षा और सब जगह विजय करना चाहिए तथा परमेश्वर और सेनापति का नित्य आश्रय करना चाहिए। और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्य सिद्ध होने योग्य हों, सो ही नहीं किंतु विद्या और पुरुषार्थ भी उनके लिए करनी चाहिए। वह किसके साथ प्राप्त हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जहाँ मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते हैं, वहाँ सभाध्यक्ष अपनी सेना के अंग वा अन्नादि पदार्थों के साथ उनके समीप स्थिर होता है। इसकी सहायता के बिना किसी को सत्य सत्य सुख वा विजय नहीं होते हैं। अब ईश्वर और सेनाध्यक्ष की प्रार्थना सब मनुष्यों को करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको औरों के लिए ऐसा उपदेश करना चाहिए कि जो अनादि कारण से अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करता है तथा जिसकी उपासना पहले विद्वानों ने की वा अब करते और अगले करेंगे, उसी की उपासना नित्य करनी चाहिए। इस मंत्र में ऐसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम किसकी उपासना करते हो, उसके लिए ऐसा उत्तर देवे कि जिसकी तुम्हारे पिता वा सब विद्वान जन करते तथा वेद जिस निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अज और अनादि स्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं, उसी की उपासना मैं निरंतर करता हूँ। अब ईश्वर की प्रार्थना के विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को विद्वानों के समागम ही से सब जगत के रचने, सबके पूजने योग्य, सबके मित्र, सबके आधार, पिछले मंत्र से प्रतिपादित किए हुए परमेश्वर के विज्ञान व उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के उपदेश के बिना किसी को यथार्थ विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है। फिर सभा सेनाध्यक्ष के प्राप्त होने की इच्छा करने का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है और पूर्व मंत्र से त्वा, वयम, आ, शाश्महे, इन चार पदों की अनुवृत्ति है। सब पुरुष व स्त्रियों को परस्पर मित्र भाव का वर्ताव कर व्यवहार की सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना व आर्य राज्य विद्या और धर्म सभा प्रयत्न के साथ सदा संपादन करनी चाहिए। अब उस सभाध्यक्ष को क्या क्या उपदेश करने योग्य है, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे सबका हित चाहने वाला और सकल विद्या युक्त सभा सेनाध्यक्ष निरंतर प्रजा की रक्षा करे, वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। उसमें क्या क्या स्थापन करके सब मनुष्यों को सुखयुक्त होना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को सभाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष सहित सभाओं में सब राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले कार्य स्थापित करके सब सुख भोगना वा भोगाना चाहिए और वेद की आज्ञा से
एक से रूप स्वभाव और एक सी विद्या वाले तथा युवा अवस्था के स्त्री और पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयंवर विधान से विवाह होने योग्य हैं। वे अपने घर के कामों में तथा एक दूसरे के सत्कार में नित्य यत्न करें और वे ईश्वर की उपासना वा उसकी आज्ञा तथा सत्पुरुषों की आज्ञा में सदा चित्त देवें, किंतु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी पुरुष वा स्त्री को क्षण भर भी न रहना चाहिए। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार और प्रीत पालंकार है। जैसे पहियों की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती हुई भी अपने में ही ठहरी सी रहती है और रथ को देशांतर में प्राप्त कराने वाली होती है, वैसे ही आप राज्य में व्याप्त होकर यथा योग्य नियम में रखते हों। फिर उसके सेवन से क्या फल होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों का सेवन विद्यार्थियों के अभिष्ट अर्थात उनकी इच्छा के अनुकूल कामों को पूरा करता है, वैसे परमेश्वर का सेवन धार्मिक सज्जन मनुष्यों का अभिष्ट पूरा करता है। इसलिए सबको चाहिए कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा और क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे जगदीश्वर सनातन कारण से चर अचर कार्यों को उत्पन्न करके इनसे सब जीवों को सुख देता है, वैसे सभा सेनापति न्यायाधीश लोग सब सभा सेना और न्याय के अंगों को सिद्ध कर सब प्रजा को निरंतर आनंद युक्त करें। जैसे इससे भिन्न और कोई संसार का रचने व कर्म फल देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो सकता, वैसे वे भी सब कार्य करें। फिर वे कैसे हों, इसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, पूर्वोक्त अश्व अर्थात सूर्य और पृथ्वी के गुणों से चलाया हुआ रथ शीघ्र गमन से भूमि जल और अंतरिक्ष में गति करता है, इसलिए इसको शीघ्र साधना चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से अश्ववत्या शवीरया इन दो पदों की अनुवृत्ति है। मनुष्य की जो अग्नि वायु और जनयुक्त काल यंत्रों से सिद्ध हुई नाव है, वे निःसंदेह समुद्र के अंत को जल्दी पहुंचाती है। ऐसी ऐसी नावों के बिना अभिष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं हो सकता। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, शिल्प विद्वानों के योग्य है कि जो शीघ्र आने जाने के लिए रथ बनाना चाहें तो उसके आगे एक एक काल यंत्र युक्त चक्र तथा सब कलाओं से घूमने के लिए दूसरा चक्र नीचे भाग में रच के उसमें यंत्र के साथ जल और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करें। इस प्रकार रचे हुए यान भार सहित शिल्प विद्वान लोगों को भूमि समुद्र और अंतरिक्ष मार्ग से सुखपूर्वक देशांतर को प्राप्त कराते हैं। अब इस विद्या के उपयोग करने वाले प्रातः काल का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में काक्वर्थ है, कौन मनुष्य इस काल की सूक्ष्म गति जो व्यर्थ खोने के अयोग्य है उसको जाने। जो पुरुषार्थ के आरंभ के आदि समय प्रातः काल है, उसके निश्चय से प्रातः काल उठकर जब तक सोने का समय न हो एक भी क्षण व्यर्थ न खोवे। इस प्रकार समय की सार्थकता को जानते हुए मनुष्य सब काल सुख भोग सकते हैं, किंतु आलस्य करने वाले नहीं। फिर वह वेला कैसी जाननी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य भूत भविष्य और वर्तमान काल का यथा योग्य उपयोग लेना चाहते हैं उनके